दोस्तों नमस्कार, मैं फार्मासिस्ट तापस स्वागत करता हूं मेरा तापस फार्मासिस्ट चैनल में। दोस्तों बिना हेल्थ जांच के ही बहुत ही लोगों ने शादी कर लेते हैं और बाद में बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे कि इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा ना होने का समस्या, यौन रोग की समस्या, बच्चा की थैलेसेमिया का प्रॉब्लम और भी बहुत सारा प्रॉब्लम ये भी बहुत ज़्यादा दिखा जा रहा है और लाइफ दुख से छा रहा है। लेकिन दोस्तों शादी से पहले अगर 4 टेस्ट करा लिए तो इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों इन वीडियो को आगे ले जाने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होती है, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लिए तो आप लोगों को ही फ्री में दवा और कॉस्मेटिक के साथ साथ हेल्थ संबंधित यूनिक और खास वीडियो मिलते रहेगा। और हाँ, सब्सक्राइब के बाद जो बेल आएगा वो बेल पे क्लिक कर लीजिएगा जरूर, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। दोस्तों शुरू करते हैं वो जांच के बारे में, टेस्ट के बारे में जो कराना बहुत ही जरूरी है हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए। दोस्तों पहला जांच HIV और आदर्श यौन रोग। दोस्तों HIV हेपाटाइटिस बी एंड सी टाइप का बीमारी पूरा जिंदगी बर्बाद कर देती है और सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना कराने से शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ला सकता है। ऐसा ही गोनोरिया, सिफिलिस, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस जैसे यौन रोग के बारे में पहले जानकारी रहने से इसका प्रोटेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों ऐसा ही नंबर 2 जेनेटिक और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशनिंग टेस्ट। दोस्तों ये टेस्ट पहले से कराना चाहिए, पहले से टेस्ट कराने से प्रॉब्लम बढ़ने से पहले जेनेटिक बीमारी को जान सकते हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थैलेसीमिया, कुछ कैंसर और किडनी का प्रॉब्लम छुपा रहता है जीन में, जो पहले से टेस्ट कराना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों नंबर 3 फर्टिलिटी टेस्ट। दोस्तों ये फर्टिलिटी टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस और अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा रूप से हम लोगों का सामने अभी आ रहा है। शारीरिक प्रॉब्लम शादीशुदा लाइफ में मानसिक और सामाजिक प्रॉब्लम को बुलाती है, इसलिए शादी से पहले दोनों का फर्टिलिटी टेस्ट जरूरी है, ताकि शादी के बाद बच्चा होने में और कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों नंबर 4 ब्लड ग्रुप कॉम्पिटिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों शादी से पहले दोनों का ब्लड ग्रुप कॉम्पिटिबिलिटी टेस्ट कराना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो प्रेग्नेंट का समय रिसर्च डिजीज जैसा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस बीमारी से मां का शरीर का एंटीबॉडी बच्चा का शरीर का ब्लड सेल को खत्म कर देता है। रिसर्च नेगेटिव ब्लड का कोई महिला, अगर रिसर्च पॉजिटिव कोई पुरुष को शादी कर ले तो रिसर्च इनकॉम्पेटिबिलिटी का रिस्क सबसे ज्यादा रहती है। भ्रूण का अगर रिसर्च पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो तो प्रेग्नेंट का समय बच्चा का डेथ और गर्भपात जैसा प्रॉब्लम सामने आ सकती है। दोस्तों इसलिए शादी से पहले जरूर ये 4 टेस्ट करा लीजिए और अपना मैरिज लाइफ को खुशी से बिताइए, अगला जिंदगी को खुशी से बिताइए। दोस्तों मेरा ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जान सके और सभी खुशी से दिन गुजार सके। दोस्तों मेरा ये वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा जरूर और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, ताकि आगे भी आप लोग खास वीडियो पा सके। दोस्तों मैं तापस आज इस वीडियो को यहाँ ही ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे कोई खास वीडियो के साथ। बाय बाय।